सुप्रभात बच्चों, आज का जो स्वर है वो है री। री 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 से ऋतु, री से ऋतु, ऋतु मतलब सीजन, ऋतु मतलब सीजन। री से ऋषि, ऋषि मुनि पता है ना आपको, साधु, ऋषि। री से ऋग्वेद, ऋग्वेद एक हिंदुओं की ग्रंथ होती है, किताब होती है, होली रिलीजियस किताब होती है, ऋग्वेद। री से ऋषभ, ऋषभ बैल को बोलते हैं, री से ऋषभ। री से, तो चलो बच्चों आपको एक कहानी सुनाएं। ऋतु, वर्षा ऋतु में एक ऋषि बैठा ऋग्वेद पढ़ रहा था। वर्षा ऋतु में एक ऋषि बैठा ऋग्वेद पढ़ रहा था, तभी वहाँ एक भूखा वृषभ आया। ऋषभ को ऋषि ने चारा खिलाया और उसे गौशाला छोड़ आया। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं री कैसे लिखा जाता है। नीली रेखा से एक सीधी रेखा तीसरी वाली नीली रेखा तक, पहली, दूसरी और ये तीसरी, फिर एक छोटा सा पहाड़ और नीली रेखा को छू के एक तिरछी रेखा, नीचे वाली ये नीली रेखा को छूना है, यहाँ से गोल बनाना है, नीचे आना है और आधा गोल बनाना है नीली रेखा को छूकर। री, एक सीधी रेखा, नीली रेखा को छूना है, फिर एक छोटा सा पहाड़ बनाना है और ये बीच की नीली रेखा को छूना है, बीच की नीली रेखा से एक तिरछी रेखा, यहाँ बीच से एक गोल, नीचे आकर एक बड़ा और गोल, आधा गोल। एक छोटा पहाड़, एक तिरछी रेखा, यहाँ बीच में से एक गोल, नीचे आकर और आधा गोल, ये नीली रेखा को छूना है। री री री, सीधी रेखा, एक छोटा पहाड़, तिरछी रेखा, यहाँ से बीच में से एक गोल, नीचे आकर और आधा गोल, री। तो बच्चों आपने देखा री कैसे लिखा जाता है। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में अगले स्वर या व्यंजन के साथ, तब तक के लिए